A park is in the form of rectangle 120 meter into 100 meter. At the center of the park, there is a circular lawn. The area of park excluding lawn is 8700 meter square. Find the radius of the circular lawn. तो हमें क्या गिवन है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका साइड्स क्या है 120 मीटर इनटू 100 मीटर. तो अगर मैं एरिया ऑफ पार्क लिखूंगा तो एरिया ऑफ पार्क क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ पार्क रेक्टेंगुलर है तो क्या होता है फॉर्मूला एल इंटू बी. जैसे कि एल की वैल्यू हमें गिवन है 120 के इक्वल है और बी कितना है 100, तो आएगा 120 इंटू 100, तो इट इज इक्वल टू वॉट 12,000 मीटर स्क्वायर. तो आ जाएगा एरिया ऑफ पार्क इज 12,000 मीटर स्क्वायर. नाउ अब हमें क्या गिवन है, हमने इसके सेंटर में एक सर्कुलर पार्क ड्रॉ कर दिया है ना, एक पार्क बना हुआ है. अब बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्क है इसके एक्सक्लूड करके उसका एरिया क्या है 8700 है. मीन्स ये जो बाहर का, अगर मैं इसे दूसरे कलर से कर दूं तो ये वाला जो रीजन है हमारे पास में ये, तो ये इस एरिया का रीजन हमें कितना गिवन है 8700 मीटर स्क्वायर गिवन है. इसका एरिया हमें 87 मीटर स्क्वायर गिवन है. तो अब अगर हमें पार्क का एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया ऑफ पार्क क्या हो जाएगा, सॉरी एरिया ऑफ जो हमारा सर्कुलर लॉन है, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ एरिया ऑफ लॉन है वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ लॉन इज इक्वल टू टोटल कितना था पार्क का एरिया 12,000, और लॉन को एक्सक्लूड करके एरिया कितना है 8700. तो बचा हुआ एरिया कितना हो जाएगा 12,000 माइनस 8700 विच इज इक्वल टू 3300 मीटर स्क्वायर. नाउ ये तो हो गया 3300 मीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ लॉन हो गया ये. नाउ व्हाट इज द, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लॉन. तो एरिया ऑफ लॉन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है. तो ऐसा होगा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3300. नाउ इसे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, लेट्स सी पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3300. तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 33 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू 11. तो 33 अपॉन 11 इज वॉट 3, एंड 50 अपॉन 2 इज वॉट 100 अपॉन 2 इज 50. सो वॉट इज आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 150. तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 150. तो आर की वैल्यू क्या जाएगी, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 150. और 150 क्या होता है 25 इंटू 6. तो इसे कह सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 6 इज वॉट 5 रूट 6 मीटर. तो जो लेंथ आ गई क्या बोलते हैं पार्क की, वाई 5 रूट 6 मीटर के इक्वल. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, रेडियस ऑफ पार्क इज इक्वल टू 5 रूट 6 मीटर.